नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। 14th मार्च 2023 से लेकर 7th अप्रैल 2024 तक सैटर्न शतविशा नक्षत्र में ट्रांसिट करने वाले हैं। हाँ, बीच में क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट भी होने वाले हैं, तो बीच के 2 से 2.5 महीने के टाइम के लिए सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट होते होते धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांसिट करेंगे, बट वो बहुत ही कम समय के लिए होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सैटर्न शतभिषा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं, जिसके वजह से मैं इस वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट एंड इवेंट के बारे में, बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस जो कि आप लोग इस दौरान फेस करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं, इसके विषय में मैं बताऊंगी। तो क्योंकि ये जो ट्रांजिट है वो बहुत ही लंबा ट्रांजिट है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मैं आप सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगी बिना स्किप किए इस वीडियो को एकदम एंड तक पूरा देखिए। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नया व्यूअर है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग, क्योंकि देखिए सैटर्न एंड एक्वेरियस साइन के बारे में हम लोगों को मोस्टली पता है कि वो लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बट पहले हम लोग शतभिषा नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं कि शतभिषा नक्षत्र का क्वालिटीज़ क्या क्या है, उसका सिंबॉलिज्म क्या है एंड कौन सा डीएटी एंड कौन सा ग्रह इस नक्षत्र का रूलर है। तो देखिए, वरुण देवता जो कि कॉस्मिक ओशन ऑफ लॉ के रूलर है, जो कि सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, हीलिंग, हेल्थ एंड हीलिंग एंड सोसाइटी के लिए हम लोग कुछ करेंगे, ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वरुण देवता। एंड वरुण देवता शतभिषा नक्षत्र के देवता है, रूलर देवता है। ओके, एंड अगर हम लोग ग्रह की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र को राहु रूल करते हैं, तो इस नक्षत्र के साथ एक बहुत ही पिकुलियर पैटर्न कनेक्टेड है, क्योंकि राहु नेचुरली बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है, बट राहु बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट है। बट शतभिषा नक्षत्र का अगर आप लोग सिंबॉलिज्म देखें तो शतभिषा नक्षत्र का सिंबॉल है कि एक राउंड एम्प्टी सर्कल, ठीक है। तो इसी वजह से शतभिषा नक्षत्र के साथ बहुत ही स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली हेल्थ एंड हीलिंग, साथ ही में एक बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर, सीक्रेटिव नेचर कनेक्टेड है। मतलब शतभिषा नक्षत्र एक्वेरियस साइन में फॉल करता है वो अच्छी बात है, हम सभी लोगों को पता है कि एक्वेरियस साइन जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट साइन है, जो कि घुलना मिलना, समाज के साथ काम करना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करता है, लार्ज ग्रुप सेटिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वही शतभिषा नक्षत्र जो कि एक्वेरियस साइन के अंदर ही फॉल करता है, वो साइन एक एम्प्टी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक इंट्रोवर्ट नेचर इस नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि आप लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रुप सेटिंग में आप लोग ज्वाइन करेंगे, आप लोग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग काम करते हो तो देखेंगे कि बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड होना चाहेंगे, अपना जो भी फ्रेंड सर्कल है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप लोग बहुत ही सीक्रेटिव रहेंगे अपने विषय में, आप लोग उतना ही शेयर करेंगे जितना आप लोगों को चाहिए, कि आप लोग शेयर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने अंदर ही जमा करके रखेंगे, रैदर आप लोग दूसरों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा बाहर के लोगों के साथ आप लोग मिलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लगेगा कि आपको नहीं मिलना है, बट ड्यू टू योर वर्क बा कोई ना कोई रीज़न के वजह से आप लोग दूसरे लोगों के साथ मिलते जुलते रहेंगे, बट आप लोग सीक्रेटिव रहेंगे। इस वक्त आप लोग जो भी, आप लोग थोड़ा ड्रिंकिंग टेंडेंसी आप लोगों के अंदर है, तो आप लोगों के अंदर ड्रिंकिंग टेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस वक्त दो चीज़ें होगा, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके अंदर ड्रिंकिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, एंड जो लोग ड्रिंक नहीं करते हो बट ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ, हेल्थ केयर के साथ कनेक्टेड हो, ऑल्टरनेटिव हीलिंग के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप लोग जो भी एस्ट्रोनॉट्स हो, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस या फिर जो एरोस्पेस होता है, ऐसे साइंस के साथ एंड प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हो, हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे लोगों के अंदर वो नॉलेज सीकिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, कि आप लोग एडिक्टेड हो जाएंगे कि मुझे और नॉलेज जानना है, और नॉलेज जानना है, इस वजह से आप लोग आइसोलेट हो जाएंगे। नेचुरली आप लोगों के अंदर एक इनर एंड आउटर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि
मुझे बाहर और अंदर दोनों में बैलेंस करना है। साथ ही में इस वक्त आप लोग देखेंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक अलोन स्पेस चाहेंगे, जहाँ पे आप लोग अपने अंदर शेडोज के बारे में आप लोग जानना चाहेंगे, खुद को अंदर से एकदम रूट से आप लोग हील करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग लेवल अप कर सके अपने लाइफ में। इस वक्त क्योंकि शतविषा नक्षत्र के साथ एक बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स टेंडेंसी एंड नेचर कनेक्टेड है, तो इस वजह से देखेंगे कि आप लोगों का जो चिंता होगा, जो थिंकिंग होगा, जो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी होगा, आइडियाज़ होंगे, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। जनरली अगर आप लोग प्लान ए को ज़्यादा प्रेफर करते हो एंड प्लान सी डी को आप लोग छूते भी नहीं हो, आप लोग देखेंगे कि आप लोग प्लान सी एंड डी के तरफ ज़्यादा जा रहे हो, ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल वेज के हिसाब से। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह की का आइडियाज़ आप लोग सोचेंगे, कोई भी प्रॉब्लम को आप लोग इस वक्त ना कोई भी प्रकार, चाहे वो प्रॉब्लम छोटा हो बड़ा हो, आप लोग उसको इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप लोगों के अंदर राहु का, सैटर्न का एंड वरुण देवता का मिक्स्ड क्वालिटीज इस वक्त आपके अंदर होंगे, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बट येट बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एंड इनोवेटिव नेचर आप लोगों के अंदर आएगा। आपके थिंकिंग प्रोसेस में ये सब टेंडेंसी आप लोग देखेंगे। साथ ही में आप लोग देखेंगे कि अगर आपके खुद के हॉरोस्कोप में आइदर शतभिषा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र अगर बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो इस वक्त आप लोगों के लाइफ में कोई एक ऐसा फ्रेंड आएगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उस फ्रेंड के साथ। खास करके वो एक मेल फ्रेंड हो सकता है, फीमेल फ्रेंड होने के चांसेस बहुत ही लो है। एक मेल फ्रेंड, अगर आप लोग खुद फीमेल हो तब भी मेल फ्रेंड आएगा, अगर आप लोग मेल हो तो मेल फ्रेंड ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, एंड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का जो रूलर है वो वरुण देवता है, जो डीएटी है, एंड अनुराधा नक्षत्र का जो डीएटी है वो मित्र है। अब मित्र देव एंड वरुण देव दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त थे, एंड हमेशा वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उन लोगों के अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि सैटर्न इस नक्षत्र में एक साल के लिए रहेंगे, तो ऑफकोर्स क्योंकि एक्वेरियस साइन प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के अंदर ऐसे ऐसे दोस्त आपको मिल सकता है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको अपने करियर में, आपके करियर ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, एंड किसी भी समय वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ओके, एंड क्योंकि सैटर्न जो है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फ्रेंड जो बनेगा एक दो, वो काफ़ी लंबे समय के लिए आप लोगों के लाइफ में रहने वाला है। बट येट आप लोगों को थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि एरीज, क्योंकि देखिए शतभिषा नक्षत्र का जो रूलर है वो राहु है, जो कि अभी एरीज राशि में है, तो इस वक्त कोई अच्छा फ्रेंड है समझ के आप धोखा भी खा सकते हो। तो आपको थोड़ा प्रोमिनेंटली समझना पड़ेगा कि कौन आपके लिए सही है एंड कौन आपके लिए गलत है। जो सही है वो बहुत लंबे टाइम के लिए आप लोगों के लाइफ में रहने वाला है। ओके, अब देखिए, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र हेल्थ एंड हीलिंग के साथ कनेक्टेड है, तो मोस्ट डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर लाइन में जो भी आप लोग डॉक्टर्स हो, एंड कोई भी अगर आप लोग ऑल्टरनेटिव हीलिंग के साथ कनेक्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, बाक फ्लावर ऑयल रेमेडी, या फिर कोई कोई लोग एसेंशियल ऑयल्स को भी यूज़ करते हैं हीलिंग के लिए, मसाज थेरेपी के लिए, ऑब्वियसली मसाज थेरेपी, आयुर्वेदिक हीलिंग, जो भी ऐसे ऑल्टरनेटिव हीलिंग फील्ड के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप लोग वेटरनेरियंस हो, या फिर अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ एंड इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो, तो मोस्ट डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मेजर एक करियर राइज होगा। हेल्थ हीलिंग एंड जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशंस होंगे इस वक्त, एंड ऐसे ऐसे डिजीज़ का, ऐसे ऐसे बीमारी का इलाज इस वक्त इन्वेंट हो सकता है जो कि पहले नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आइडिया बता रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैंसर का जो दवाई है वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी इफ़ेक्टिव होता है, कभी कभी नहीं होता है कुछ कुछ स्टेजेस में, तो हो सकता है कि कैंसर को कैसे आप लोग और भी ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हो, और भी पावरफुल मेडिसिन इस वक्त इन्वेंट हो सकता है, क्योंकि राहु भी इस वक्त अश्विनी नक्षत्र में है, जो कि हेल्थ एंड हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। शतभिषा नक्षत्र के साथ भी 100 फिजिशियंस ऑफ गॉड कनेक्टेड है,
तो इसी वजह से हेल्थ एंड हीलिंग बहुत ही प्रोमिनेंट है 2023 में. ओके इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी राहु जो है वो एरीस नक्षत्र में है, सॉरी एरीस साइन में है, जो कि इनिशिएशंस को रिप्रेजेंट करता है. एंड एरीस साइन जो है वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल साइन है. राहु खुद में ही एक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ एंड इन्वेंशंस को रिप्रेजेंट करता है. तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त कोई ना कोई इन्वेंशन बहुत ही प्रोमिनेंटली जो कि सोसाइटी की हेल्प कर सकता है बहुत लार्ज स्केल में, ऐसे टाइप के चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा आविष्कार होगा ऐसे चीज़ों का. ओके कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा उदास हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो इस वजह से, तो मोस्ट डेफिनेटली आप लोग ऐसे सिचुएशंस में से बाहर निकल पाएंगे. अगर आप लोग ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, आपके खुद के हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा इस वक्त. तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिट है. बट एट द सेम टाइम क्योंकि शतभिषा नक्षत्र के साथ में एक स्पाइंग एनर्जी कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि कोई कोई लोग, आप लोग अपने जो सोशल नेटवर्क सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, आप लोग अपने दोस्तों को किसी के ऊपर स्पाई करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो. तो अगर आप लोग ऐसा अनएथिकली कोई चीज़ आप लोग करने के बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ डू नॉट डू दैट. क्योंकि सैटर्न एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है. अगर आप लोग कोई भी चीज़ अनएथिकली आप लोग करना चाहते हो, तो मोस्ट डेफिनेटली सैटर्न इस वक्त आपको पनिशमेंट देंगे. सैटर्न भी देंगे, वरुण देवता भी देंगे कि आप ये अनएथिकल वर्क क्यों कर रहे हो. तो इस वक्त अनएथिकल, अनऑर्थोडॉक्स काम करने का भी टेंडेंसी इस वक्त बढ़ेगा. पर आप लोग जो भी ऐसे काम करेंगे, मतलब आप लोग तैयार हो जाओ, बहुत भारी भरकम सज़ा आपको मिलने वाला है अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो डोंट डू दैट. अब देखिए, क्योंकि सैटर्न एंड वरुण देवता का जो नेचर है, क्वालिटीज़ है, टेंडेंसीज है, वो बहुत काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मैच करता है. तो इसी वजह से जब सैटर्न शतभिषा नक्षत्र में ट्रांसिट करते हैं, तो नेचुरली सैटर्न बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कम्फर्टेबल फील करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सैटर्न अपने खुद के मूल त्रिकोण साइन पे है एंड उसके ऊपर शतभिषा नक्षत्र में है, तो सैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. तो सैटर्न नेचुरली ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस एंड वर्क को रिप्रेजेंट करता है. तो एंड शतभिषा नक्षत्र का एक जो सीक्रेटिव पावरफुल हीलिंग क्वालिटी है, वो भी इस वक्त सैटर्न खींच लेता है अपने अंदर. तो इसी वजह से कि एंड क्योंकि एक्वेरियस साइन से सैटर्न अपने 3 नंबर दृष्टि से एरीज राशि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली अगर इस वक्त आप लोग कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, कोई नया स्टडी शुरू करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, तो इस वक्त आप लोग प्रॉपर एक्शन अगर आप लोग डेली बेसिस उस काम के तरफ लेंगे, तो मोस्ट डेफिनेटली विद इन अ ईयर आप लोगों को सिग्निफिकेंट रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा. क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो एफर्ट, कमिटमेंट, एफर्ट एंड कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो मोस्ट डेफिनेटली जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को ये हासिल करना है, वो चीज़ चाहिए, उसके तरफ प्रॉपर एफर्ट डालिए, मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आप लोगों को सक्सेस मिलेगा. बट इस वक्त क्योंकि ऑलरेडी राहु एरीज राशि में है, तो आप लोगों के अंदर टेंडेंसी होगा कि मैं जल्दी जल्दी काम करूँगा, उसका मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट भी चाहिए. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का जो एनिमल कनेक्टेड है वो हॉर्स, एक घोड़ा कनेक्टेड है. अब राहु जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, उसका भी जो एनिमल है वो भी घोड़ा है, एंड शतभिषा का भी जो एनिमल है वो भी घोड़ा है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है. बट इसी वजह से ना, क्योंकि घोड़ा जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी वजह से आप लोगों को अपने काम का जो रिजल्ट है वो स्पीड में चाहिए आप लोगों को, ये फील होगा. बट क्योंकि सैटर्न डिलेज को रिप्रेजेंट करता है, तो सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएंगे रिजल्ट देने से पहले, पर जो रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा. तो इसी वजह से आप लोग काम करना शुरू कीजिए, प्रॉपर एक्शन लीजिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए. जब तक सैटर्न शतभिषा नक्षत्र के बाद, जब पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में जब सैटर्न ट्रांजिट करेंगे नेक्स्ट ईयर 2024 में, आप लोग देखेंगे कि आप लोग मास्टर हो जाएंगे जो भी काम आप लोग इस वक्त करना शुरू करेंगे. एंड इसी मास्टरी की वजह से आप लोगों को बाद में ह्यूज सक्सेस, गेन्स एंड अचीवमेंट आपको मिलेगा. ओके एंड इसके बाद देखिए, सैटर्न का जो सेवेंथ एस्पेक्ट होगा वो लियो साइन पे पड़ेगा. तो लियो साइन में जब सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ेगा, वहाँ पे सैटर्न जो है
वो अपना जो जस्टिस है वो लियो साइन पे शो करेंगे. एंड लियो साइन के तरफ, लियो साइन बेस्ड ऑन कि आपका क्या कौन सा लगना है, लियो साइन जिस किसी भी हाउस में फॉल करता है उस घर के तरफ अगर कोई भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है वहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट एंड जस्टिस उस वक्त आपको मिलेगा. तो इस जस्टिस के थ्रू सैटर्न उस घर के तरफ हीलिंग प्रोवाइड करेंगे आपको. लियो साइन में प्रॉपर फेयर एंड इक्वल अप्रोच सैटर्न इस वक्त शो करेंगे. ओके, अब सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो स्कॉर्पियो साइन पे पड़ेगा. तो स्कॉर्पियो साइन आपके लग्न के हिसाब से एंड आपके चंद्र राशि के हिसाब से, मतलब आपके राशि एंड आपके लग्न के हिसाब से स्कॉर्पियो साइन आपके जिस किसी भी हाउस में फॉल करता है उस घर के तरफ अगर कोई भी आपको चेंजेस चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप लोग चेंजेस नहीं चाहते हो तो लास्ट 1 ईयर में जो भी आप लोग काम कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा इस वक्त. एंड वो जो रिजल्ट मिलेगा वो नेचुरली कोई चेंज लेके आएगा. तो अगर मैं रेमेडी के बारे में बात करूँ तो आप लोग किसी को मेडिसिन डोनेट कर सकते हो, या फिर किसी ओल्ड एज होम में, या फिर कहीं पर भी अगर कोई मतलब हेल्थ केयर चलाता है कोई एनजीओ, अगर किसी बड़े बूढ़े जानवर इंसान किसी को भी अगर आप वो लोग हील करता है, वो लोग फ्री में वो लोग मतलब मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, चेकअप प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे एनजीओज में अगर आप लोग डोनेट करो या फिर किसी को खाना खिलाओ, किसी को हीलिंग करने में हेल्प करो या फिर किसी को जस्टिस पाने में हेल्प करो. ओके, अगर कोई ऐसा इन्वेंशंस अगर आप लोग करते हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है, तो इस टाइप का अगर कोई काम अगर आप लोग कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो अच्छे कॉज के वजह से जो कि सोसाइटी को या फिर किसी इंडिविजुअल को, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उसकी मदद कर रहे हो आप लोग, तो ये बहुत बड़ा रेमेडी है इस वक्त आप लोगों के लिए. आप लोग देखेंगे कि शतभिषा नक्षत्र का क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा. इस वक्त शतभिषा नक्षत्र का जो एडिक्शन जो क्वालिटी है उसको कोई चीज़ सीखने में या फिर कोई चीज़ को काम को करने में उसको एस्टैब्लिश करने में आप लोग यूज़ कीजिए तो ही बेहतर है. अगर आप लोग शतभिषा नक्षत्र का जो नेगेटिव कुछ कुछ क्वालिटीज़ के बारे में मैंने कहा, अगर उसके पीछे अगर आप लोग भागेंगे तो ज़रूर आप लोग कोई ना कोई मुसीबत में फंसेंगे. सबसे पहले आप लोग बहुत बड़ा कोई मिस्टेक कर सकते हो जिसके बाद आप लोगों को बहुत बड़ा भारी भरकम कोई कॉस्ट आपको चुकाना पड़ सकता है. एंड उसके बाद देखेंगे कि आप लोग स्पिरिचुअल बनेंगे, क्योंकि सैटर्न का काम है कि पहले वो आपका टेस्ट लेता है. अगर आप लोग टेस्ट में पास हो जाते हो तो अच्छी बात है, वो आपको रिवॉर्ड देते हैं. अगर टेस्ट में आप लोग फेल होते हो तो सैटर्न आपको सबक सिखाते हैं, उसके बाद आपको अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं. ओके, तो आपके अंदर जो बुरा जो भी नेचर है उसको अगर आप लोग इस वक्त ख़त्म करके एक नए तरीके से अपने आपको हील करके, आपका जो भी शैडो साइड है उसको अगर आप लोग हील करके अपना डिमोनिक नेचर को बंद करके उसको मार के अगर अपने आपको प्योरीफाई करना चाहते हो तो ये टाइम सबसे ज़्यादा बेहतर है. ओके, प्लीज़ इस वक्त को अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए. आई रियली होप कि आपको वीडियो में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले होंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.